हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। कैसे हैं दोस्तों? ठीक है ना? तो दोस्तों, आज हम लोग ग्रीन पीस पुलाव बनाएंगे। और पुलाव तो देखते हैं हर घर में, ये बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो आज मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ कैसे आप इसे घर में बना सकते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और देखिए कैसे मैं बनाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने एक कटोरा ये चावल ले लिया है। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, सोनाचूर चावल है, सेंटेड। इसे हम लोग करीब 10 मिनट तक पानी से भिंगो के रखेंगे, धो के रख लेंगे। और ये रहा अभी मिलने वाला ताज़ा ये मटर, जो हमने मार्केट से लाया हुआ है, सीजनल मटर है। तो देखिए दोस्तों, चावल को मैंने ऐसे ले लिया, अब इसको हम लोग अच्छे से धोएंगे। देखिए जितनी भी गंदगी है और कुछ भी अगर इसमें डस्ट पार्टिकल है, चाहे स्टोन है, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे अच्छे से। देखिए देखिए दोस्तों, इसे हम लोगों ने धो के निकाल लिया है। इसे 10 मिनट तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं, करीब 10 मिनट के बाद देखिए, धो के हम लोगों ने रख दिया था चावल को। अब हम लोग यहाँ पे गैस ऑन करेंगे और ये प्री हीट कुकर में इसमें चढ़ाएंगे, जो पहले से गर्म मैंने करके रखा था। अब इसमें करीब 1-2 चम्मच घी डालेंगे। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं दोस्तों। देखिए घी देने के बाद इसमें ये तेज पत्ता 2 पीस, इसको भूरा होने तक हल्का हम लोग। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं। इसमें हम लोग ये जो चावल था इसको लेंगे, इसको ऐसे इसमें फ्रा भूंज लेंगे। तो दोस्तों करीब 5-7 मिनट से हम लोग हल्के आंच में फ्राई करते रहेंगे चावल को। देखिए तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट तक करीब फ्राई करने के बाद अब इसमें हम लोग आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और ये नमक आधा चम्मच और ये मटर डाल के हम लोग हल्का फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों करीब 5 मिनट फ्राई करने के बाद सबको जब हम लोग इसमें 1.5-2 कटोरा पानी डालेंगे। और इसको फिर हम लोग पैक कर देंगे करीब 10 मिनट 15 मिनट। दोस्तों करीब 5 मिनट फ्राई करने के बाद सबको जब हम लोग इसमें 1.5-2 कटोरा पानी डालेंगे। इसको फिर हम लोग पैक कर देंगे करीब 10 मिनट 10-15 मिनट। तो दोस्तों करीब 10 मिनट के बाद हम लोगों ने गैस ऑफ करना है इसे। अब मैं देखता हूँ ये कैसा बना है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ग्रीन पीस पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छी सौंधी महक आ रही है दोस्तों, सब कुछ अच्छे से पक भी गया है। साथ में मैंने इसमें धनिया के पत्ते से गार्निशिंग किया है साइड में। अब मैं इसे देखिए खा के मैं थोड़ा सा बताता हूँ, चेक करके ये पका है कि नहीं अच्छे से। एक नंबर दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से ये पक गया है। घी की भी सौंधी महक इसमें आ रही है, सब कुछ अच्छे से बन चुका है। देखिए दोस्तों कितने इजी प्रोसेस से मैंने आपको बताया, घर में तुरंत बना सकते हैं। और ठंड के मौसम में तो और भी ग्रीन चिली मिलते ही हैं और ग्रीन पीस भी मिलते हैं, सब ताज़े। तो आप इसको बना सकते हैं, घर में ट्राई कीजिए दोस्तों। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें।
ठंड के मौसम बहुत अच्छा लज्जेदार स्वादिष्ट बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।